विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 राम। जय श्री राम जय श्री कृष्ण। सभी को नमस्कार। आज के शाम पुष्य मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, बीच में एक दिन खंड पड़ गया। बुधवार शाम सूर्यास्त का समय, कृतिका अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र है या रोहिणी नक्षत्र, आज ऐसे मंगल शुभ दिन संध्या काल हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। रोहिणी रोहिणी नक्षत्र सात्विक त्याग
इस विषय की चर्चा हुई थी। कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, कार्यम बस हैज टू बी डन, करने योग्य, करना ही उचित, कर्तव्य, बस इतना ही, इति एव, इतना ही सोचकर त्याग जब किया जाए, कार्य किया जाता है, नित्य कर्म किया जाता है, नियत कर्म किए जाते हैं, और उसके साथ संग और फल की अपेक्षा, कर्म के साथ लगाव, आसक्ति और कर्म से फल की अपेक्षा, इन्हें जब त्यागा जाता है तो वह सात्विकी त्याग है। यह चर्चा हुई थी। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो में धावि छिन्न संशय। सत्व समाविष्ट, परमात्मा में समाविष्ट, परमात्मा में, परमात्मा के विचार में लिप्त, उसमें डूबे हुए सत्व, यहां सत्व गुण नहीं, गुण सूचक नहीं, परमात्मा सूचक, सत्व समाविष्ट मेधावी, ज्ञान के साथ जानकारी, जिसने जाना और विवेक से परख कर जाना, विजडम, मेधावी, छिन्न संशय, जहां संशय छिन्ना भिन्न हुए हैं, संशय संदेह मारे गए हैं, संदेहों के हत्या जैसे उनको खत्म कर डाला है, ऐसे तीन लक्षण बताते हैं सात्विकी सत्वगुणी, इस प्रकार त्याग करने वाला, सात्विक त्याग करने वाले के तीन लक्षण बताते हैं। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म न कुशले नानुषज्यते, वह कुशल कर्मों को द्वेष नहीं करता और अकुशल कर्मों का स्वागत नहीं करता। तो ये सब चर्चा हमने परसों किया था, कल मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में था तो कल शाम को हुआ नहीं, आज यहाँ एक छोटा सा गांव में एक खेत के बीच में बैठा हूँ। अगले 5-6 दिन यहाँ रहूँगा, गीता का कार्यक्रम है, तमिल में है, तो अतः अभी हिंदी का एक दिन खंड के बाद आज उसे आगे बढ़ाएंगे। आज के श्लोकों में जाए, नहि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तभिधीयते। जब कर्म फल की चर्चा हुई, कर्म त्याग या फल त्याग, यह समस्या, यह प्रश्न आदिकाल से यह वाद छिड़ा है, सन्यासी कर्म त्याग करें, कर्मों को छोड़ दें और साथ ही साथ दूसरा वाद है, सन्यासी कर्मों के ऊपर आसक्ति छोड़ दें और फल त्याग करें, फलों की अपेक्षा छोड़ दें। और ये दोनों की चर्चा आदिकाल से, इसमें वाद विवाद यह चलते आया है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं देहम भृता शक्यम, न शक्यम, इट इज इम्पॉसिबल, किसके लिए, देह भृत, जो देह को धरा है, जिसने देह को पकड़ा है, देह में जो वास करता है, और जब तक देह शरीर है तब तक, न शक्यम, इट इज नॉट पॉसिबल, यह शक्य नहीं। क्या शक्य नहीं, त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, अशेषतः, शेष यानी
बचा हुआ, अशेष यानी छोटा एक कर्म भी जहां बचा नहीं, ऐसे सभी कर्मों का त्याग, कर्माणि कर्मण त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, बिना एक भी कर्म को छोड़े छोड़े बिना सभी कर्मों का त्याग करना शक्य नहीं, नॉट पॉसिबल। किसे? जो देह धरा है, जब तक देह उसका है, देह उसके पास है, जब तक वह देह को लगा है, देह में है, तब तक कर्मों का त्याग करना, कुछ कर्मों का त्याग तो हो सकता है, परंतु सर्व कर्म, कर्माणि सभी कर्म अशेषतः, बिना बाकी छोड़े सभी कर्मों का त्याग, यह संभव नहीं, शक्य नहीं। पहले चौथे अध्याय में यही बात एक बार आई है, 15वें अध्याय में यह बात आया है, तीसरे अध्याय में, चौथा नहीं, तीसरे अध्याय में, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेर कर्मणः, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। शरीर यात्रा, अरे शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर को कार्य में लगाए रखने के लिए भी कर्म की आवश्यकता है, शरीर को अपना सुचारू चलते रहे उसके लिए कर्म की आवश्यकता है, भूख लगी है तो भोजन के खोज में जाना है, भोजन की तैयारी करना है, भोजन को हाथ से उठाना है, मुंह में डालना है, फिर मुंह से अंदर जाने के बाद वो भोजन का पचन कार्य करना है, और पचन व्यवस्था शरीर की बड़ी व्यवस्था उसमें कार्य में लगती है, और ये सब कार्य अनिवार्य है, इन्हें छोड़ना अशक्य है। हम श्वास लेते हैं, यह फेफड़े में जाता है, मैं तो लेता ही, मैंने यदि मुख नाक बंद भी कर लिया तो श्वास तो मुंह से चला जाएगा, और चला गया तो फेफड़े में जाता है, फेफड़ा अपने आप को विस्तार करके सिकुड़ के श्वास के हवा को अंदर खींचता है, फिर फेफड़े के अंदर लाखों जो छोटी थैलियां हैं उसमें फैलता है, फिर वहां फिर रक्त संचार होता है, ये थैलियों के सामने आते हैं तो वहां श्वास में जो प्राणवायु है वह रक्त में जाता है, और रक्त में जो अशुद्ध वायु है, आम्ल वायु, कार्बन आम्ल वायु, वह फेफड़े में आता है, और फेफड़े का हवा अगले श्वास में बाहर निकलता है। यह जो श्वास ने प्रश्वास श्वास निश्वास अंदर और बाहर, यह कर्म है। लगभग दिन में एक मिनट में 18-20 बार ऐसा श्वास जाता है, यानी एक 60 मिनट में, एक घंटे में लगभग 1200 बार, और 24 घंटों में कुछ 24,000, और निरंतर चालू है। यह कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, त्याग नहीं किया जा सकता। तो हमको ऐसा एक अज्ञान है, बचपना है, हमको लगता है जो हम इस भाव के साथ करते हैं कि मैं कर रहा, केवल उसे हम कर्म मानते हैं, जो जिसके विषय में हमको मैं कर रहा यह भाव रहता नहीं तो उसे हम कर्म नहीं मानते। श्री कृष्ण का तो कहना है कि मन से जो विचार करते हैं, मन से कल्पना करते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, बुद्धि से निर्णय पर पहुंचते हैं, यह भी कर्म है। मन से किसी कार्य का कल्पना किया तो वह भी कर्म है, शरीर से करना है, हाथों से करना है, यह आवश्यक नहीं। तो ऐसे कर्मों का त्याग अशेषतः, बिना बचे रखे,
सभी कर्मों का त्याग, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यह तो संभव ही नहीं। जब तक शरीर है तब तक तो यह संभव नहीं। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी तभिधीयते। जो कर्म फल त्यागी है, जो कर्मों फलों को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, वह ऐसा जो कर्म फलों को छोड़ना ही त्याग है, वही त्यागी कहा जाता है। कर्मों का त्याग तो हो नहीं सकता, शक्य नहीं, संभव नहीं, तो इसलिए जो कर्म फल का त्याग जिसने किया वही त्यागी है। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टों में धावी छिन्न संशय है। ऐसा कल कहा, कर्म में अपने लिए जो जमता है, हमारे लिए जो आसान है, हमको जो मन को भाता है, केवल उस कर्मों को, उसको द्वेष नहीं, उसी को करने की इच्छा नहीं रखता, और जो हमसे होता नहीं, जो हमारे लिए कठिन है, जो हमको मन को भाता नहीं, हमारे सामर्थ्य से कम है या सामर्थ्य से अधिक है, ऐसे अकुशल कर्मों को करने की इच्छा नहीं करता, द्वेष करता, यह सात्विकी में होता नहीं, कर्म फल त्यागी में होता नहीं, वह तो बस करना है इस भावना से करता है। और त्याग, इसका पुनः एक बार दूसरे दृष्टि से कहते हुए कहते हैं, भाई त्याग, तुम तो कर्मों का त्याग तो कर ही नहीं सकते हो जब तक शरीर है, शरीर के रहते रहते कर्मों का त्याग हो नहीं सकता, असंभव। इसीलिए जो कर्म फल का त्याग जिसने किया वही त्यागी है। कर्म फल त्यागी सत्यागी तभिधीयते, वैसे उसे ही त्यागी कहा जाता है। ऐसे ये हमको सूक्ष्म स्तर पर है, कर्मों का त्याग कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? जंगल में जाके बैठेंगे, एकांत में बैठे रहेंगे। तो एकांत में बैठे रहने से भी यह जो शरीर के, यह जो सुप्त गुप्त शरीर है, मन और बुद्धि के, इन कर्मों को तो त्यागा नहीं जा सकता। भूख लगी तो एक फल तोड़ना है, तो कर्म प्रयत्न करना पड़ेगा। तो एकांत तो असंभव, समाज में रहना पड़ेगा। सन्यासी कोई एकांत में जाके बैठना, सन्यास कर्म त्याग ऐसा होता नहीं, उसे तो समाज में रहना पड़ेगा, भिक्षा के लिए आना पड़ेगा, तो समाज में अन्यों के साथ बोलना पड़ेगा, संबंध रखना पड़ेगा, अन्यों के बोलने के प्रतिक्रिया देना पड़ेगा। नमस्कार किया तो पुनः नमस्कार, वापस में नमस्कार करना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, प्रसन्न होकर स्वागत करना पड़ेगा। जड़ पत्थर जैसे तो नहीं जी सकते, इसलिए कर्म त्याग यह असंभव, यह हो नहीं सकता। कर्म फल त्याग ही त्यागी, वही सन्यासी, ऐसे कहते हैं। अगले जो अगले श्लोक में कर्म फल कितने प्रकार के हैं, जो त्याग करता नहीं, जो कर्म फल पर आसक्ति रखता है, कर्म फल की अपेक्षा रखता है, तो उसे किस प्रकार के फल मिलते हैं, ऐसा एक अद्भुत श्लोक है। इसमें कर्म सिद्धांत का पूर्ण जो विषय है, पूर्ण रहस्य है, बस इस एक श्लोक में सुप्त है, छुपा हुआ है। अनिष्टम इष्टम मिष्टम च त्रिविधम कर्मणः फलम्। कर्म के फल तीन प्रकार के हैं, इष्टफल, अनिष्टफल और मिश्रित फल। इष्ट यानी
मन को जो अच्छा लगता है, मन को अनुकूल लगता है ऐसा फल, अनिष्ट फल जो मन को भाता नहीं, मन को प्रिय नहीं, मन को जो अच्छा नहीं लगता ऐसे फल, और मिश्रित थोड़ा इस यह और थोड़ा वह, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अनिष्ट फल इष्ट फल और मिश्रित फल, त्रिविधम कर्मणः फलम, कर्म के तीन प्रकार के फल है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित। जो सन्यासी है, जो त्यागी है, जिसने छोड़ दिया है कर्म फल की अपेक्षा, कर्मों से जिसने आसक्ति छोड़ दिया है, उसके लिए यह लागू नहीं। यह जो तीन प्रकार के फल इष्टम अनिष्टम और मिश्रित फल जो प्राप्त होते हैं वह सन्यासी के लिए है नहीं, वह जो त्याग नहीं कर सका, जो फल की आशा को फल की अपेक्षा को छोड़ नहीं सका, कर्मों के ऊपर जो आसक्ति जिसने जो छोड़ नहीं सकता, ऐसे जो व्यक्ति है उन्हीं को इस प्रकार के तीन त्रिविध फल मिलते हैं, कर्मों के फल मिलते हैं। अपने कर्म क्या, कर्म क्या होता है? इस जीवन में हम जो करते हैं वह क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म यानी जो किया जाता है, बस अब मैं बोल रहा क्रियमाण कर्म, भोजन करता तो क्रियमाण कर्म, किसी परीक्षा के लिए अभ्यास करता तो क्रियमाण कर्म, वृक्ष पर चढ़ता वह कर्म, ऐसे अनेक प्रकार के जो हम जीते जीते दैनंदिन जो करते हैं, कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, तो ये सब प्रयत्न क्रियमाण कर्म जो है इनके फल या तो तुरंत तत्क्षण प्राप्त हो जाते हैं या आगे में कभी तो भी प्राप्त होते हैं। अब भोजन किया तो भूख मिट गई, यह तत्क्षण प्राप्त होने वाला फल, जिह्वा में भोजन रखा जो सुख मिला वह तत्क्षण प्राप्त होने वाला फल, कर्म फल। अब भोजन के स्तर के अनुसार, भोजन जैसा भोजन किया है उसके अनुसार मुझे शरीर में जो वह सत्व बनकर मेरे शरीर के बल बनकर जो शरीर में जमता है, मेरे शरीर के आरोग्य बनकर जो प्रकट होता है वह सूक्ष्म फल है, वह तत्क्षण तुरंत प्राप्त होता नहीं, वह आगे में जाकर प्राप्त होता है। बल वर्धन होना है या फिर आरोग्य वर्धन होना है तो कई वर्षों के जो हमारे भोजन है उसके प्रभाव से, उसके फल स्वरूप हमको शारीरिक बल और शारीरिक आरोग्य, रोग विरोधी जो क्षमता है, ये सब उसमें मिलता है। तो ऐसे फल तत्क्षण मिल सकते हैं या आगे जाकर मिल सकते हैं। हर कर्म हम जो भी करते हैं वह एक तो फल देता है और दूसरा वह अंदर में एक भावना, एक वासना छोड़ जाता है। भोजन किया, भुभुक्षा जो है, भूख जो मिट गई, तृप्त हुआ, संतोष हुआ, परंतु वह रुचि हमको प्रिय लगा, वह भोजन के साथ एक लगन हो जाता,
एक उसके साथ मन संबंध बना लेता, वाह ये बहुत अच्छा है। यह मन में जाकर चिपक जाता है, इसे वासना कहते हैं। तो अगला जो प्रकार का जो कर्म है, कर्म फल है, जो हमको इस जन्म में हमने जो किया संचित, उन सब के संचित रूप में जो संचित कर्म है, उनके सबके वासना मिलकर यह धीरे 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 इतने प्रकार के वासना एकत्रित होते 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 अपना स्वभाव बनता है। ये सभी जो जिस प्रकार की भावनाएं मन में जाकर रूढ़ हो जाते हैं, अपने रूटेड गहरे अपने जड़ जमा लेते हैं, ऐसे जो वासनाएं हैं इनके परिणाम से स्वभाव बनता है, और अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म आते हैं। जो मैं बोलता हूँ, जो विचार करता हूँ, जो करता हूँ, ये सब मेरे स्वभाव के अनुसार होते हैं, जो कर्म स्वभाव के अनुसार। और स्वभाव जो कर्म के पुराने संचित कर्म है उनकी जो वासना है, वासना से स्वभाव बनता, स्वभाव के अनुरूप कर्म बनता। और यह जो वासना है इसे ही हम आगे में अगले जन्मों में ले जाते हैं। तीसरा प्रकार है प्रारब्ध, जो हमने पिछले जन्मों में इन्हें हमको फल मिला, अदृष्ट फल हमको उसका कारण नहीं जानते, भूख मिटी है तो मैंने भोजन किया, उसके कारण भूख मिटी है, यह कर्म और फल इसका संबंध समझता है। पत्नी गर्भवती हुई तो उस दिन जो संभोग किया, संभोग के प्रभाव से पत्नी गर्भवती हुई, यह संबंध समझता है। परंतु ऐसे कई कर्म जो हम जानते नहीं, कर्म कब हुआ, पिछले जन्म में हुआ और उसके क्या वासना हमारे साथ रह गया, और उन कर्मों का जो हम जानते नहीं क्या कर्म किया, कब किया, इस जन्म में, बचपन में या फिर पिछले जन्मों में, तो वह प्रारब्ध इन्हें हमको प्राप्त होते हैं। उसका कारण हम जानते नहीं, उसका जड़ हम जानते नहीं, कहाँ से मिला, कैसे आया प्रारब्ध। ऐसे हमारे कर्म हैं, कर्म के प्रकार हैं, और उन कर्मों के फल हैं। फल में जैसे मैंने कहा, एक फल है तत्क्षण प्राप्त है, या आगे में भविष्य में जाकर प्राप्त है, या अगले जन्म में प्राप्त है। दूसरा है उस कर्म, उसके अनुभव करते समय, कर्म के फलों का अनुभव करते समय जो वह भावना जो सुप्त रूप से उसके सूक्ष्म जो भावना है जो मन में जम जाता है, जो मन में आरूढ़ हो जाता है, वह भावना ऐसे एकत्रित होते होते कई हजारों कर्मों के प्रभाव से जो भावनाएं एकत्रित होते हैं उसे हम वासना कहते हैं। जैसे किसी कपास में अत्तर लगाया तो अत्तर तो दिखता नहीं, वह चिपक जाता है कपास के साथ, और उस अत्तर का वास उस कपास में रहता है। इसी प्रकार यह वासना जीवात्मा के साथ चिपका रहता है और उसका स्वभाव रूप में वह परिवर्तित होता, और वह उस जीवात्मा के साथ आगे के भविष्य के जन्मों में भी जाता, वहां उसके अनुरूप वासना के अनुरूप शरीर को, पारिवारिक वातावरण को, अपने आसपास के जो स्थिति है इन सबको वह चयन करता। वह जीवात्मा अपने वासना के अनुसार, वासना के पूर्ति की इच्छा से उसके अनुरूप परिवार, उसके अनुरूप परिस्थितियां, उसके अनुरूप वहां के शरीर, इनको ढूंढकर उनको प्राप्त करके वह उस आगे के जन्मों में अपने
पूर्व जन्मों की वासना को उसकी पूर्ति कर लेता है। इस प्रकार कर्म फल इसका विवरण, अनिष्ट कुछ इष्ट होते हैं, कुछ अनिष्ट होते हैं, शुभ कर्मों का फल शुभ फल में प्राप्त होते हैं, जैसे अच्छा संतान, गुणी संतान, अच्छी पत्नी, अच्छे मित्र, मन को इष्ट ऐसे मित्र, हमको सहायक ऐसा वातावरण, ऐसे शुभ कर्मों का शुभ फल मिलता है और अशुभ कर्म का अशुभ फल मिलता है। यहां यही श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसे हम कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ता है, अभ्यास करता है परीक्षा के लिए, वर्ष भर अभ्यास किया, ईमानदारी से अभ्यास किया, परिश्रम में कहीं कम नहीं रखा, जितने दिशा में आवश्यक है सब दिशाओं में अभ्यास किया, सभी प्रकार के प्रयत्न किए, परीक्षा समीप आया, कल परीक्षा है, उसके मन में प्रमाथ, आलस्य या भ्रम या अहंकार, घमंड, उन्माद, अरे मैंने कर लिया है, मैं तो हर समय अपने कक्षा में प्रथम आते आया हूं, बस 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 मैंने कर लिया है, ऐसे एक उन्माद, इस प्रकार कोई ना कोई उसके अंदर से जागृत कोई भावना के कारण वह अंदर से उसकी जो शांति, मन शांति है, समत्व है, जिससे वह अच्छे प्रभावी ढंग से परीक्षा लिख सके, उस समत्व को, उस शांति को वह थोड़ा सा हिला देता है। इसका परिणाम इतना भी हो सकता कि वह एक विषय की परीक्षा है और दूसरे विषय की परीक्षा समझकर उसमें जाए और वहां जब प्रश्न पत्र देखता है एकदम धक्का होता है और अंदर में भ्रम और मोह और कंफ्यूजन उसके अंदर निर्माण हो जाते और परीक्षा में कुछ अंक उसके कम हो जाते। यह उसने स्वयं निर्मित, अपने अंदर से निर्मित किसी कारण से उसका कर्म फल बिगड़ता है, उसका कर्म क्षमता भी बिगड़ता है, कर्म का सामर्थ्य, कर्म की क्षमता बिगड़ती है और कर्म से उत्पन्न होने वाले अंक यानी फल वह भी बिगड़ता है। स्वयं से, अंदर से आत्म स्वयं, उसके कारण, उसके परिणाम से। अब दूसरा है दैव अदृष्ट, बस कल परीक्षा है, आज उसे शरीर में ज्वर आ जाता, ताप आ जाता, टेम्परेचर चढ़ जाता और जब परीक्षा हॉल में जाना है 102, 103, वह उसके अंदर उस गर्मी, वह टेम्परेचर के कारण उसके अस्थिरता बेड़क बनकर उसके परीक्षा लिखने की जो क्षमता है वह कम होकर उसके कुछ अंक छूट जाते हैं या कभी परीक्षा हॉल में जा नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता, इतना ताप चढ़ जाता। ताप की भी आवश्यकता नहीं, छोटे से एक शलाक उसके हाथ में, उंगली में कहीं तो जा रहा था, किसी क्रिकेट बैट को पकड़ा, बस बस बच्चों के साथ पहले दिन शाम को खेलते खेलते उसके अंदर उंगली में घुस जाती है और घर में फिर उसमें पानी लगकर वह उंगली सूज जाता है और अगले दिन उससे पेन पकड़ना उसका होता नहीं और उसके कारण उसके परीक्षा लिखने की जो क्षमता है वह कम होकर उसके कुछ मार्क कट जाते हैं। यह दैवी या अदृष्ट यह फल है। यह अदृष्ट कर्म, अदृष्ट शक्तियों के कारण उसका कर्म बिगड़कर उससे प्राप्त होने वाला फल भी बिगड़ जाता है। और तीसरा है जो
अन्य जो आसपास जो मित्र हैं, अन्य जो मनुष्य हैं आसपास, उनके कारण, उनके किसी कर्म के कारण मैं तो अपने बाजू में खड़ा एक बाइक वाला, मैं दुकान के पास खड़ा हूँ, दूर रास्ते से कई दूर खड़ा हूँ, 10 फीट अंदर एक बाइक वाला बस एक किसी पत्थर या फिर गड्ढे को अवॉइड करने, उसे छोड़ने वह अंदर घुसता है और मैं बाजू में खड़े, मेरे ऊपर ठप्पर मारता और मैं नीचे गिर जाता, सर पर चोट लगती। ऐसे हम जानते हैं ऐसे कुछ परिवार में जहाँ 3-3 साल तक कोमा में रही ऐसी महिला जो बिल्कुल बाहर बाजू में खड़ी रही और उसके ऊपर आकर एक वैन ने मार दिया। और किसी के कर्म के कारण फल भुगतना पड़ता है। इस परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थी का देखो, कहीं ऐसा भी होता है कि वहां बाजू में जो खड़ा था, सामने जो बैठा है आगे में या पीछे में, वह परीक्षा हॉल में कोई कागज पर उत्तर लिखकर आया है और कॉपी कर रहा, इंस्पेक्टर को हॉल में आते देखा, हड़बड़ाहट में उसने क्या किया, चतुराई में वह सब कागज जो लाया था उन कागजों को, ये जो अपना विद्यार्थी है जो अच्छे ढंग से वर्ष भर पढ़ाई किया है, उसके टेबल के पास उसकी कुर्सी के नीचे फेंक देता है। जब इंस्पेक्टर आते हैं, कागजों को देखते हैं, खोल के देखते हैं, देखा तो उत्तर है इसी कक्षा इसी परीक्षा के उत्तर, तो वह इस बाजू में बैठे हुए अपने जो विद्यार्थी है जो व्यवस्थित पढ़ाई किया है वर्ष भर, उसको वह पकड़ता है, उसको प्रश्नोत्तर करता है, कम से कम 15-20 मिनट प्रश्नोत्तरी होती है यह कम से कम, या फिर उसको हॉल से बाहर निकाल देते हैं, उसको परीक्षा लिखने से मना कर देते हैं, कभी तो उसको 3 वर्ष के लिए परीक्षा से मनाई हो जाती। इन्हें अन्य ने किया उसके प्रभाव से, या फिर परीक्षा जो जो कागज है उत्तर पत्र वह गया किसी शिक्षक के पास, शिक्षक वह उसे मार्क दे रहा, एक 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 परीक्षा फल निकाल रहा, तो करते करते उसके घर के वातावरण के कारण उसके अंदर संताप चढ़ता और इस व्यक्ति का, इस विद्यार्थी के परीक्षा उत्तर कागज को वह हाथ में लेते समय उसका अंदर मन संतप्त रहता, और वो संतप्त मन में जब इसके उत्तर देखता है, छोटी छोटी गलतियां उसको बड़े हो लगते हैं, मार्क कटता है। इस प्रकार अन्य लोगों के कर्मों के कारण जो फल मिलते हैं, ऐसे 3 प्रकार के फल हैं। स्वयं अपने अंदर जो प्रमाथ, आलस्य, मोह, अहंकार, ऐसा जो मद जो चढ़ जाता है उसके कारण, विस्मृति या फिर दैवी शक्ति जो अदृष्ट शक्ति है उनके कारण, उनके कर्मों के कारण, या फिर समाज में आसपास जो अन्य व्यक्ति हैं उनके कारण, ऐसे कर्म फल के 3 प्रकार के ऐसे स्रोत हैं। यही अच्छे दृष्टि से भी हो सकता है अनुकूल फल। कोई व्यापार करता है, स्वयं परिश्रम करता और लाभ कमाता है, स्वयं अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से, अपनी योजनाओं से लाभ कमाता, अपने कर्म का फल को भोगता, या फिर अच्छे फसल निकलते, अच्छे वहां के उसके वस्तुओं की आवश्यकताएं बढ़ जाती और बड़ा व्यापार होता, लाभ कमाता, यानी निसर्ग के कारण, या गोदाम में कहीं तो भी आग लग जाती, बरसात हो जाता, उसके सामान सब पानी में भीग जाते और बिगड़ जाते और लाखों का नष्ट हो जाता, जिसके ऊपर इसका कोई संयम, इसको यह इसके हाथ में कुछ नहीं, कहीं कुछ हो गया, या फिर कहीं रेल एक्सीडेंट में इसका लड़का मारा जाता और सरकार से 15 लाख रुपए अनपेक्षित इसको पैसे मिल जाते,
ऐसे अदृष्ट कर्मों के कारण फल, या फिर इसके धोखा दिया जाता, ठगा जाता किसी जो जिस पर इसने विश्वास किया, ऐसे किसी व्यक्ति से, इसका पार्टनर से, या है जब व्यापार जिसके कार्य साथ कर रहा उस व्यक्ति के द्वारा ठगा जाता और लाखों का नुकसान हो जाता, या फिर कहीं इसने बचपन में जिसको भला किया वह इसके नाम से एक बड़ी संपत्ति, घर इसके नाम से लिख देता, या बड़ा एक रकम इसके अकाउंट में डाल देता, कहता है आपने हमारे जीवन बचाया, मैं बस आपको इतना रकम देना चाहता हूँ। ऐसे अन्य व्यक्तियों के कर्मों के फल यह भोगता है। ऐसे हमको कर्म फल के कारण इष्टम अनिष्टम मिश्रित और कर्म फल मिलते रहते हैं। जो कर्म फल के अपेक्षा के साथ जो प्रयत्न करता है, कर्मों के ऊपर आसक्ति रखकर, भावना रखकर जो प्रयत्न करता है और फलों की भी अपेक्षा करता है, उसको इतने इस प्रकार के तीन प्रकार के उसको फल प्राप्ति होते हैं, या स्वयं के अंदर से आने वाले कर्मों के प्रभाव, या नैसर्गिक शक्तियां, दैवी शक्तियां, अदृष्ट शक्तियों के कारण आने वाले फल, या समाज, आसपास के मनुष्य, आसपास नहीं कहीं अमेरिका में कुछ हो गया और इसके आंगन में फूल खिल जाते हैं। आजकल जो इंटरनेशनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण कहीं कुछ हो जाता तो इसको बड़ा लाभ हो जाता या बड़ा नष्ट हो जाता, तो इस प्रकार फल इसके प्राप्त हो सकते हैं। और ये फल अनुकूल हो सकते हैं, प्रतिकूल हो सकते हैं, मिश्रित हो सकते हैं, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित। इस प्रकार कर्म और कर्म फल, कर्म कैसे होते हैं, कर्म फल कैसे होते हैं, इसकी चर्चा, यह तो बड़े पुस्तक लिखने योग्य विषय है, बहुत गहरा विषय है। उस विषय में श्री कृष्ण इन दो श्लोकों में संक्षेप में बहुत सुंदर, यह एक श्लोक तो हमें कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। परंतु यह सन्यासी के लिए है नहीं, जिसने कर्म फल त्याग दिया है उसके लिए है नहीं। आता है फल, फल तो उसको भी प्राप्त होते हैं, परंतु वह कर्म फल उसे, उसको उसके अंदर वासना छोड़ते नहीं, उसके अंदर बंधन निर्माण नहीं करते। इसलिए यह है, इस प्रकार के फल कर्म सन्यासी के लिए है नहीं, जो कर्म फल त्याग नहीं सका उनके लिए है, ऐसे श्री कृष्ण इन श्लोकों में कह रहे। हम यहाँ आज की चर्चा हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल इसी विषय को उसकी कृपा से, उसके अनुग्रह से हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक सभी को नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार नमस्कार।